अब तक इस चैप्टर में हमने कुछ जनरल टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, और फिर उसके बाद हमने कुछ ग्राफ्स को डिस्कस किया, स्पीड टाइम और डिस्टेंस टाइम ग्राफ को। अच्छा देखें, जितनी भी टर्मिनोलॉजीज अभी तक हमने डिस्कस की हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्टेंस, इन सब का आपस में कोई ना कोई रिलेशन है। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इक्वेशंस ऑफ मोशन, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो ये जो इक्वेशंस हैं, ये एक्चुअली इन सारी टर्म्स का, इन सारी चीज़ों का रिलेशन बताती हैं हमें, स्पीड का, डिस्टेंस का, इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन हमें ये बताती हैं। अच्छा, इक्वेशंस ऑफ मोशन को स्टार्ट करने से पहले हमें दो चीज़ें जहन में रखनी होंगी, वो ये हैं कि जितनी भी इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने डिराइव करनी है, एक तो बात हमने ये माइंड में रखनी है कि ये हम कंसिडर कर रहे हैं दैट द मोशन ऑफ द बॉडी इज अलोंग द स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी, हमने ये कंसिडर कर लेना है कि जो भी हम ये इसमें हम जिस भी बॉडी की मूवमेंट को डिस्कस करेंगे, दैट मोशन इज अलोंग द स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन मोशन हमने क्यों कंसिडर किया है, क्योंकि देखें इसमें हमने बात करनी है वेलोसिटी की, हमने बात करनी है एक्सेलरेशन की। तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। सो जब भी वेक्टर क्वांटिटीज को हमने पढ़ा था कि उसके लिए तो हमें डायरेक्शन चाहिए। सो हम उस डायरेक्शन वाली कंप्लेक्सिटी से बचने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, चीज़ों को सिंपल रखने के लिए ये कंसिडर कर लेते हैं दैट द मोशन ऑफ द बॉडी इज अलोंग द स्ट्रेट लाइन। तो तीनों इक्वेशंस में हमारी ये कंसिडरेशन चलेगी। और दूसरी बात जो हमने कंसिडर करनी है वो ये है कि हमारी जो बॉडी है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी है। ठीक है, हमारी जो बॉडी है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी है। सो ड्राइव करने से पहले ये दो अजम्पशंस हमारे माइंड में होनी चाहिए। फिर उसके बाद मैंने एक बेसिक सा ग्राफ बना दिया है जो कि एक बॉडी की मोशन को शो कर रहा है। हम इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं और फिर तीनों इक्वेशंस में हम इसी ग्राफ की हेल्प से तीनों इक्वेशंस को ड्राइव कर लेंगे। देखें, एक बॉडी है, उस बॉडी ने ये ओरिजिन है ओ, ए से लेकर बी तक, यहां तो हमें ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एरिया नजर आ रहा है। कितने टाइम में? टी टाइम में। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो हमें यहां से लेकर यहां तक एक चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो हमारा ग्राफ है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ। इसका मतलब है कि बॉडी ने रेस्ट से मोशन नहीं स्टार्ट किया, यानी हम जो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ओ से लेकर ए तक वो टाइम है जो बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी गेन करने में लगा है। ठीक है, तो इसलिए हमने इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट किया और फिर इनिशियल वेलोसिटी के बाद जब बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड पोजीशन में आई है, उसने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन गेन की है, तो फिर यहां से हमारा ग्राफ, हमने पढ़ा था कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होता है, तो यहां से ये हमारा ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन। सो यहां ओ से लेकर ए तक हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है। कितने टाइम में? इतने टाइम में, यानी ओ से लेकर डी तक इतने टाइम में उसने कितनी एक्सेलरेशन गेन की है, ये फाइनल वेलोसिटी है उसकी। ठीक है, और ये उसकी गेन इन एक्सेलरेशन है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, ए से लेकर बी तक, ये उसकी गेन इन एक्सेलरेशन है। कितने टाइम में? इतने टाइम में। ठीक है जी, सो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ओ ए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है, ए बी हमारे पास एक्सेलरेशन है, ओ डी टाइम टेकन है, बी सी जो है वो गेन इन एक्सेलरेशन ए टी है, और बी डी जो है वो फाइनल वेलोसिटी है। सो इन्हीं टर्म्स को, इन्हीं रिलेशंस को हमने तीनों इक्वेशंस में यूज करना है। सो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ आते हैं। अच्छा देखें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने फाइंड करनी है, तो हम सबसे पहले इसमें बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन की। हमने लेट से जी, मैं ये कहता हूं कि ये जो एक्सेलरेशन है ये मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये जो एक्सेलरेशन है ये किसके बराबर है? ये इस स्लोप के बराबर है, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी के बराबर है। ठीक है जी, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी जो है ये एक्सेलरेशन के बराबर है। ठीक है, और अगर इस स्लोप को हम देखें तो ये किसके बराबर है? ये किसके इक्वल है? इस स्लोप का, ये देखें, यहां से मैंने एक ये परपेंडिकुलर और ये हमारे पास बराबर है स्लोप ऑफ द लाइन ए बी के। तो स्लोप ऑफ द लाइन को मैं लिख सकता हूं बी सी डिवाइडेड बाय ए सी। ठीक है जी, स्लोप किसके बराबर है? बी सी डिवाइडेड बाय ए सी के बराबर है। अच्छा, बी सी की वैल्यू अगर मुझे, बी सी मुझे फाइंड करना है, तो देखें बी सी बेसिकली यहां से लेकर यहां तक जो पोर्शन है हमारे पास, ये बी डी है, और इसमें से अगर मैं ये सी डी वाला पोर्शन माइनस कर देता हूं तो पीछे मेरे पास बी सी बच जाता है। ठीक है, तो मैं बी सी को लिख सकता हूं बी सी इज इक्वल टू बी डी माइनस सी डी, बी डी माइनस सी डी। ठीक है जी, अब मैं
इस टेबल में से देख लेता हूं कि इन सब की वैल्यूज क्या क्या हैं मेरे पास, ठीक है। तो बी डी मेरे पास बराबर है, बी डी इज इक्वल टू वी एफ सी डी, ये हमारे पास इक्वल है यानी वी आई के, इनिशियल वेलोसिटी के, ठीक है जी। तो अब मैं इन वैल्यूज को इसी इक्वेशन में पुट कर देता हूं, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन को इसके मुताबिक लिखना चाहूं तो एक्सेलरेशन मेरे पास हो जाएगी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी डी माइनस सी डी डिवाइडेड बाय ए सी, ठीक हो गया जी। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी डी, बी डी किसके इक्वल है वी एफ के, सी डी किसके इक्वल है वी आई के, ए सी किसके इक्वल है, ए सी हमारे पास अगर हम देखें तो ओ डी और ए सी ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो इसका मतलब है अगर ओ डी टाइम के इक्वल है तो ए सी भी टाइम के इक्वल है, तो मैं यहां पर टाइम इस तरह से लिख सकता हूं, क्लियर है जी बात। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं तो मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद, ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, ठीक है। और अगर मैं इसी को रीअरेंज करके लिख लूं तो ये हो जाएगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की फाइनल फॉर्म है, जिससे हमें ये पता चलता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन के दरमियान रिलेशन बताती है, ठीक है जी। सो ये एक सिंपल सी डेरिवेशन है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हमने स्टार्ट करनी है। सो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम बेसिकली ये चेक करेंगे कि एक बॉडी जो इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ अपना सफ़र शुरू करती है और टाइम टी गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी वी एफ हो जाती है, यानी फाइनल वेलोसिटी वो अटेन कर लेती है, और फिर इस टाइम में वो कुछ डिस्टेंस कवर करती है। तो हमने एक्चुअली वो डिस्टेंस फाइंड करना है जो बॉडी ने वी आई से वी एफ तक टी टाइम के दरमियान कवर किया है, ठीक है जी। तो जो डिस्टेंस है वो हमेशा टोटल एरिया अंडर द कर्व अगर हम फाइंड कर लें तो वो डिस्टेंस होता है हमारे पास, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो ये सारा एरिया जो कि मैंने शेड किया हुआ है ग्रीन कलर से, ये एरिया हमने फाइंड करना है। सो एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। अच्छा, अगर हम इस एरिया को अब फाइंड करना चाहें तो इस ग्राफ को हमने दो पोर्शंस में डिवाइड कर लिया है, एक रेक्टेंगुलर शेप में और एक ट्रायंगुलर शेप में। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल सेपरेट फाइंड कर लेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सेपरेट फाइंड कर लेंगे, तो ये हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा, ठीक है जी। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखना चाहूं, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एस, एस से डिस्टेंस को डिनोट किया जाता है, वो किसके बराबर है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो हमें वन बाय वन इसको ही फाइंड करना है। हम पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर लेते हैं। तो देखें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है जी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो अगर यहां से हम इस रेक्टेंगल को देखें तो ओ ए जो है ये इसकी लेंथ है, ठीक है जी। ओ ए इसकी लेंथ है मल्टीप्लाई बाय विड्थ। विड्थ को अगर आप देखें तो OD और AC दोनों आपस में पैरेलल हैं, दोनों इक्वल हैं, तो विड्थ इसकी है OD, ठीक हो गया जी। विड्थ इसकी क्या है OD। अब इसमें देखें OA किसके बराबर है, OA इक्वल है इनिशियल वेलोसिटी के, OD किसके इक्वल है टाइम के, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नेक्स्ट हम फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमारे पास फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस इंटू हाइट, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का, ठीक है जी। तो ट्राइंगल हमारे पास ये है, हम इसमें देख लेते हैं इसकी क्या वैल्यूज हैं, ठीक है जी। सो ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय, इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो ये बेस है ए सी, ए सी क्या है ये इसकी बेस है, तो बी यानी बेस जो है वो ए सी हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये इसकी हाइट है, ठीक है। ये किसके इक्वल है, ये बी सी के इक्वल है, ये किसके इक्वल है, ये बी सी के इक्वल है, क्लियर होगी बात। अच्छा, मैं अगर ए सी और बी सी की वैल्यूज को पुट करूं तो आप ये देखें कि हाफ ए सी जो है ये हमारे पास क्योंकि ओ डी के पैरेलल है, ए सी इज पैरेलल टू ओ डी, और ओ डी किसके इक्वल है टाइम के इक्वल है, तो इसका मतलब है यहां पर मैं टाइम लिख सकता हूं। और बी सी मेरे पास किसके इक्वल है, ये
ये गेन इन स्पीड के इक्वल था, यानी at के इक्वल था, तो मैं bc की जगह, हमने यहां पे भी मेंशन किया हुआ है कि वो किसके इक्वल है, at के इक्वल है। तो ये मेरे पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर हो गया जी। अब हम दोनों एरियाज को ऐड कर लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो टोटल एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मेरे पास क्या है, और ये है किसके इक्वल, ये डिस्टेंस के इक्वल है, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा वी आई मल्टीप्लाई बाय टी प्लस हाफ टी इनटू ए टी, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा एस इज इक्वल्स टू, इसको मैं वी आई टी लिख सकता हूं, प्लस वन बाय टू टी, और टी मल्टीप्लाई होकर ए टी, टी स्क्वायर बना लेंगे तो मैं इसको ए टी स्क्वायर लिख सकता हूं। So, S is equals to VIT plus half AT square. ये टोटल डिस्टेंस है जो हमारी बॉडी ने कवर किया है VI से शुरू होकर VF तक T टाइम के दौरान, ठीक है जी। तो ये फाइनल फॉर्म है हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, S is equals to VIT plus half AT square. ठीक है जी, हम इसको जल्दी से एक दफा ओवरव्यू देख लेते हैं कि देखिए हमने फाइंड करना था टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, जितना भी शेडेड एरिया अंडर द कर्व जितना भी है, वो सारा एरिया हमने फाइंड कर लेना है। हमने देखा कि हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है और एक रेक्टेंगल बन रहा है। हमने सेपरेटली एरिया ऑफ रेक्टेंगल को फाइंड कर लिया और एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड कर लिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, लेंथ देखें ओ ए है, ब्रेथ देखें ओ डी है, यानी टाइम के बराबर है, तो ओ ए वी आई और ओ डी टाइम के बराबर। फिर उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ ट्रायंगल वाले पोर्शन में देखें तो बेस क्या है, ए सी है, हाइट क्या है, बी सी है, ठीक है जी। तो ए सी टी के इक्वल है, क्यों, क्योंकि ए सी इज पैरेलल टू ओ डी। तो ओ डी अगर टाइम के इक्वल है तो ए डी भी, ए सी भी जो है वो टाइम के इक्वल है, बी सी जो है वो गेन इन स्पीड ए टी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल को मैंने एड अप कर लिया है, तो ये मेरे पास इस तरह से फाइनल फॉर्म आ गई है इक्वेशन की, ठीक है जी। सो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। अच्छा देखें, ये जो इक्वेशंस है ना, ये आप मुख्तलिफ बुक्स में अगर आप इनको देखें या मुख्तलिफ जगहों से इनके बारे में पढ़ें, तो आपको मोर और लेस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस कहीं ना कहीं मुख्तलिफ स्टेप्स में मिलेगा, ठीक है। सो इसमें एज सच इस तरह परेशानी की कोई बात नहीं है, स्टेप्स को डिफरेंट मेथड से हर किसी का करने का तरीका है। तो हम बुक के मेथड को फॉलो कर रहे हैं जो कि बहुत सिंपल है, और वैसे आप इसमें एक से ज़्यादा तरह से भी इसको स्टेप्स को चेंज करके या उनको थोड़ा एक्सपेंड करके डिराइव कर सकते हैं, तो उसमें एज सच कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। हम एग्जांपल के तौर पर किसी एक इक्वेशन को एक से ज़्यादा मेथड से करके देख लेंगे, ठीक है, ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि ये कोई फिक्स्ड स्टेप्स को फॉलो करने का नाम नहीं है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन शुरू करते हैं जी। अच्छा देखें, हमारे पास जो ग्राफ का टोटल एरिया है, ग्राफ का जो टोटल एरिया है वो क्या है, ओ ए बी डी। टोटल एरिया ऑफ द ग्राफ जो है वो क्या है, ओ ए बी डी है, ठीक है। अच्छा ये टोटल एरिया ओ ए बी डी जो है, अगर हम गौर से देखें तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ बन रहा है हमारे पास। तो ये जो शेप है, ये तो ट्रेपीजियम शेप है, ठीक है जी। ये शेप कौन सी है, ये ट्रेपीजियम शेप है। तो अगर हम ट्रेपीजियम शेप का एरिया फाइंड करें तो वो होता है हाफ इंटू बेस वन प्लस बेस टू इंटू हाइट, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस कॉन्टेक्स्ट में लिखूं, इस फॉर्मूले के मुताबिक इस ग्राफ को लिखूं, तो मैं टोटल एरिया एस जो है उसको इस तरह से लिख सकता हूं, बेस वन और बेस टू। अच्छा ये बात अब समझनी है कि नॉर्मली हम बेस जो है ट्रेपीजियम की जो पैरेलल साइड्स होती हैं उनको बेस कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये दो जो साइड्स हैं ये पैरेलल हैं, ठीक है। तो जनरली हम इसको डिराइव करते हुए ट्रेपीजियम की पैरेलल साइड को बेस कंसिडर करते हैं, ठीक है। सो अगर हम यहां से देखें तो ये बेस जो हमारे पास बनती है, ये बनती है यानी बेस वन ओ ए प्लस बेस टू बी डी डिवाइडेड बाय टू, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय टू और मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हाइट जो है, अब क्योंकि हमने पैरेलल साइड्स को बेस कंसिडर कर लिया है, तो जो हमारे पास ओ डी साइड है ये क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी, ठीक है। ये जो हाइट है ये, यानी हमारे पास अब हाइट बन जाएगी क्योंकि हमने बेस जो है वो पैरेलल साइड्स को कंसिडर कर लिया। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, मैं अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ, टू को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लूँ, तो इक्वेशन मेरे पास हो जाएगी टू एस इज इक्वल्स टू ओ ए प्लस
बी डी मल्टीप्लाई बाय ओ डी, ठीक हो गया। अब यहां पे उसने कहा है कि ये जो गेन इन स्पीड है इसको आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, यानी जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एरिया है, ठीक है, जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो पोर्शन ग्राफ में है उसको आप इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें। तो जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वो हमें कहां से शो हो रही है, वो हमें पता चल रहा है कि दैट इज इक्वल्स टू, देखें, बी सी बाय ओ डी, देखें ना, यही एक्सेलरेशन थी ना बी सी, जो हमारे पास गेन इन स्पीड है ओ डी टाइम में, यही थी ना हमारे पास गेन इन स्पीड थी टी टाइम में, ठीक है। तो मैं अगर इसको इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा बी टू एस मल्टीप्लाई बाय बी सी बाय ओ डी इज इक्वल्स टू ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बाय ओ डी, इसी तरह से आ जाएगा इन टू बी सी बाय ओ डी, बी सी बाय ओ डी, क्लियर होगी जी बात। अच्छा जी, अब अगर मैं इसको ओ डी ओ डी से कैंसिल हो जाएगा तो ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी 2s bc डिवाइडेड बाय od इज इक्वल्स टू oa प्लस bd मल्टीप्लाई बाय bc, क्लियर होगी जी बात। अच्छा, अब मैं वन बाय वन इनकी वैल्यूज को पुट करता हूं। अच्छा देखें, जो bc बाय od है ये तो मेरे पास एक्सेलरेशन है, क्योंकि यहां पे ग्राफ का ये जो पोर्शन है ये आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो कर रहा है, ठीक है। तो मैं 2s और bc by od की जगह एक्सेलरेशन लिख सकता हूं, a मैं लिख सकता हूं, ठीक हो गया, oa प्लस bd और उसके बाद है जी bc। अच्छा, अब हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में bc के बारे में ये कहा था कि bc इज इक्वल्स टू, देखें bc ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये किसके बराबर है, bd माइनस सी डी के, ठीक है। तो मैं बी सी की जगह फिर इसकी वैल्यू पुट कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा 2s a इज इक्वल्स टू ओ ए प्लस बी डी, और बी सी किसके इक्वल है, बी डी माइनस सी डी के इक्वल है, किसके इक्वल है, बी डी माइनस सी डी के इक्वल है। अब इस टेबल में हमें सारी वैल्यूज पता है, हम इसको वन बाय वन पुट कर लेते हैं। तो 2s a इज इक्वल्स टू ओ ए किसके इक्वल है, वी आई के, बी डी किसके इक्वल है, वी एफ के, बी डी किसके इक्वल है, वी एफ के, माइनस सी डी किसके इक्वल है, तो सी डी हमें पता है कि वो वी आई के इक्वल है, क्यों, क्योंकि ओ ए साइड और सी ओ ए इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। तो ओ ए अगर वी आई है तो सी डी भी वी आई है, तो मैं यहां पर वी आई लिख सकता हूं, क्लियर हो गया जी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, यहां पर हम अक्सर स्टूडेंट जो है ना वो गलती में जल्दी में समझते हैं कि शायद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, यहां पे नहीं, ये मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम वी आई को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा वी आई वी एफ माइनस वी आई का स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा प्लस वी एफ का स्क्वायर माइनस वी एफ वी आई और वी एफ, ठीक है जी। तो ये जो है ये प्लस वी आई वी एफ है, ये माइनस वी आई वी एफ है, ये दोनों प्लस माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो इक्वेशन को अगर मैं रीअरेंज करके लिखूं बुक के मुताबिक, या जिस नॉर्मली हम कन्वेंशनली जिस तरह इन इक्वेशंस को लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन की फाइनल फॉर्म है, जो हमें एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन बताती है। अच्छा, मैंने ये शुरू करने से पहले आपसे कहा था कि एक से ज़्यादा मेथड्स भी हैं, या आप यूँ समझ लें कि स्टेप्स को थोड़ा सा चेंज करके मुख्तलिफ जगहों पर आपको ये इक्वेशन नज़र आएगी। तो हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक इसको थोड़ा सा स्टेप्स को चेंज करके एक और मेथड से देख लेते हैं। देखिए जी, हमने ये कहा था कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो है वो ओ ए बी डी है, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला होता है हाफ, ये एस है, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस वन प्लस बेस टू इनटू हाइट, ठीक है। तो अगर हम बेस वन बेस टू की वैल्यूज को पुट करें तो ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय, हमने कहा था कि हम ट्रेपीजियम की जो पैरेलल साइड्स हैं उनको बेस कंसिडर करते हैं, तो पैरेलल साइड्स में हमारे पास ओ ए और बी डी हैं, तो ये हो जाएगा ओ ए प्लस
बी डी, और क्योंकि ये पैरेलल हो गई हैं तो फिर इसका मतलब है ये जो एक्सिस है ये हम इसको लेंथ कंसीडर, हाइट कंसीडर करेंगे, तो ये हो जाएगा ओ डी। ठीक हो गया। वैल्यूज को अगर मैं पुट करूं तो हाफ ओ ए किसके बराबर है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी, बी डी फाइनल वेलोसिटी, ओ डी टाइम इसके इक्वल है। ठीक है जी। अच्छा लेट्स से जी ये इक्वेशन वन हो गई। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें पता है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ये डिराइव किया था कि वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, तो टी इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा। ठीक है। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन से जो मैंने टाइम की वैल्यू फाइंड की थी मैं उसको यहां पे पुट कर सकता हूं। लेट्स से ये मेरे पास हो जाती है इक्वेशन टू। ठीक है। और मैं कहता हूं पुट वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन वन, तो ये हो जाएगा एस इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय वी आई प्लस वी एफ, और टाइम क्या है वो इक्वल है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय ए के। ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है। तो मैं अगर इसको इस तरह से लिख लूं एस इज इक्वल्स टू वी आई प्लस वी एफ मल्टीप्लाई बाय वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय, इन दोनों को फिलहाल सिर्फ मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये हो जाएगा 2a। ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं तो ये हो जाएगा 2as इज इक्वल्स टू, ठीक है। अच्छा इसको मैं डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा वी आई वी एफ वी आई वी एफ माइनस वी आई स्क्वायर प्लस वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई वी एफ, तो प्लस और माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे। पीछे अगर जो इक्वेशन मेरे पास बची है उसको मैं रीअरेंज करके लिखूं तो वो हो जाएगी 2as is equals to vf square minus vi square। तो यही हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन है इसकी फाइनल फॉर्म है 2as is equals to vf square minus vi square। तो हमने बेसिकली शुरू में ये बात की थी कि स्टेप्स थोड़े से चेंज हो सकते हैं, थोड़ा सा मेथड डिफरेंट हो सकता है, तो एक एग्जांपल के तौर पर हमने थर्ड इक्वेशन को दो मेथड से करके देख लिया। ठीक है। तो आपको बाकी इक्वेशंस में भी मुख्तलिफ जगहों पे थोड़ा बहुत स्टेप्स में डिफरेंस मिल सकता है। ठीक है। सो ओवरऑल ये इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं तीन हमने डिस्कस की हैं। इसके बाद एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है जिसके बाद हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा, और उस टॉपिक का नाम है मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। टॉपिक का नाम है मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। ठीक है जी। अच्छा देखिए मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज को थोड़ा सा फॉर्मली डिस्कस करने से पहले जो इसका बैकग्राउंड है वो देख लेते हैं कि जो फेमस साइंटिस्ट जिसका नाम है गैलीलियो, उसने इसके बारे में जो है वो डिस्कवरी की थी। तो गैलीलियो ने जो टावर ऑफ पीसा है वहाँ से, वो लीनिंग टावर ऑफ पीसा भी कहा जाता है क्योंकि वो एक तरफ को ऐसे जो है वो, अगर आप उसकी पिक्चर्स देखें तो वो आपको एक तरफ लीन करता हुआ एक तरफ झुकता हुआ नज़र आएगा। ठीक है। ऐसे शायद वो इतना कुछ एक तरफ को लीन कर रहा हो, लीनिंग इसलिए कहते हैं कि लीनिंग का मतलब है एक तरफ को झुकता हुआ। तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि उसने इस टावर ऑफ पीसा पे वो गया और उसने कुछ डिफरेंट मैसेस के ऑब्जेक्ट को एक साथ वहाँ से ड्रॉप किया, उसमें से कुछ लाइट वेट थे और कुछ हैवी वेट थे। तो जब उसने उनको वहाँ से एक साथ ड्रॉप किया तो उसने ये देखा कि जो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक ही टाइम पर नीचे पहुँच रहे हैं। हम अगर एयर फ्रिक्शन वगैरह को और रेजिस्टिव फोर्सेस को बाकी सब चीज़ों को इग्नोर कर दें तो आइडियल कंडीशंस में हम ये कह सकते हैं कि हम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो अगर मेरे पास लेट से एक मार्कर है और एक डस्टर है और मैं इन दोनों को सेम हाइट से सेम टाइम पे ड्रॉप करता हूँ तो ये दोनों नीचे सेम टाइम पर पहुँचेंगे। वो क्यों पहुँचेंगे? तो उसने कहा कि ये एक्चुअली इसलिए है कि जो अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो हर ऑब्जेक्ट पर इक्वली अप्लाई होती है, वो हर ऑब्जेक्ट को इक्वली अपनी तरफ जो है वो खींच रही है। ठीक है। तो इस फोर्स के नतीजे में कोई भी ऑब्जेक्ट जब अर्थ की तरफ मूव करती है तो हम उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है।
यानी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है फ्री फॉल, तो इसको हम फ्री फॉलिंग बॉडी भी इसीलिए कहते हैं कि द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो उस वक्त कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसको हम, वो जो एक्सेलरेशन पोजेस करती है उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहा जाता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो है, यानी स्मॉल जी से हम इसको डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू है 9.8 ms-2। ठीक है, एक्सेलरेशन का यूनिट ms-2 हमने पढ़ा था। अच्छा, ये हम कन्वीनियंस के लिए, कैलकुलेशंस में आसानी के लिए इसको हम अप्रोक्सीमेट 10 ms-2 भी कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी एक हमारे पास इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो हर ऑब्जेक्ट पर इक्वली अप्लाई होती है, तो उस फोर्स के इन्फ्लुएंस में जो भी बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मूव करती है उसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है जी, और उस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो हमारे पास 9.8 ms-2 है। अच्छा, एक और चीज भी याद रखनी है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट वो टुवर्ड्स द अर्थ मूव करती है, यानी ग्रेविटी की जो टुवर्ड्स द ग्रेविटी है, टुवर्ड्स द अर्थ अगर हम मूव कर, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करती है, तो उसमें जो जी की वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है। वो जी की वैल्यू क्या है? वो पॉजिटिव कोई होती है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके अपोजिट यानी नीचे से ऊपर की तरफ मूव करती है तो फिर जी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है। अगर ये इसके अपोजिट हो जाए, तो अपोजिट कह लेता हूं या मैं कह लेता हूं अवे फ्रॉम द अर्थ, अवे फ्रॉम द अर्थ हो जाए तो जी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाती। ठीक है, तो हमारे पास जब भी न्यूमेरिकल्स में स्पेशली ये चीज हमने देखनी होती है कि जी की वैल्यू को हमने पॉजिटिव पुट करना है कि नेगेटिव पुट करना है, इट डिपेंड्स दैट इधर द बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स द अर्थ और अवे फ्रॉम द अर्थ। अगर बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो हम जी की वैल्यू को पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, और अगर अवे फ्रॉम द अर्थ जा रही है यानी नीचे से ऊपर जा रही है तो जी की वैल्यू को नेगेटिव कंसिडर करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज जिसका ख्याल रखना है, क्योंकि हमने अभी अभी इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव किया है, तो मैं पहले उनको लिख लेता हूं ताकि हमें बात करने में आसानी हो। वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और 2AS इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अच्छा, ये जो केस था ये अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस ये केस थे जिसमें हमने पहले ही कहा था कि जो है वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। ठीक है, तो यही सारी कंडीशंस हों अगर, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रही हो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, यानी जो एक्सेलरेशन है हमारे पास, ये जो एक्सेलरेशन की हमने बात की थी, ये एक्सेलरेशन अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो, ठीक है, हमने क्या कहा है कि अगर यही इक्वेशंस ऑफ मोशन है लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो फिर इन सारी इक्वेशंस ऑफ मोशन में जो एक्सेलरेशन ए है वो हम रिप्लेस कर देंगे जी के साथ, वो हम रिप्लेस कर देंगे जी के साथ। तो ये इक्वेशंस हमारे पास इस तरह से बन जाएंगी, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी की जगह हो जाएगा जी टी स्मॉल जी, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी की जगह हो जाएगा जी टी स्क्वायर, 2AS है तो ये हो जाएगा 2GS इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सो न्यूमेरिकल्स वगैरह में इस चीज़ का हमें स्पेशली जो है वो ख्याल रखना होता है। इस चैप्टर के पूरे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो ज़्यादातर वो इक्वेशंस ऑफ मोशन पे बेस कर रहे हैं। ठीक है, सो इस तरह से आपके पास एक और बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट डाउन द इक्वेशंस ऑफ मोशन इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, या राइट डाउन द इक्वेशंस ऑफ द मोशन इन केस ऑफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही ग्रेविटी की बात की है तो फिर हमने ए को जी से रिप्लेस कर देना। ठीक हो गया। सो ये इस टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। सो यहाँ तक चैप्टर नंबर 2 की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं। आई होप कि चीज़ें यहाँ तक क्लियर होंगी। अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई हो या कोई चीज़ सही से क्लियर ना हुई हो तो हम इंशाल्लाह उसको आने वाले किसी लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 हम यहाँ पर क्लोज करते हैं। थैंक यू।